गुड मॉर्निंग एवरीवन। वी विल नाउ स्टार्ट विद न्यूज़पेपर इंडियन एक्सप्रेस ऑफ 19 नवंबर 2022। द फर्स्ट एडवर्टाइजमेंट टॉक्स अबाउट इंटीग्रेटेड ओम्सबर्ड्समैन स्कीम। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर GS3 बैंकिंग सेक्टर। ये क्या है? ये बात कर रही है एक प्लेटफॉर्म की, सिंगल विंडो विच विल टेक कंप्लेंट्स फ्रॉम कस्टमर कंज्यूमर अगेंस्ट RBI रेगुलेटेड एंटिटी। RBI जिसको रेगुलेट करती है, जो भी एंटिटी को, उसके अगेंस्ट आप कंप्लेन कर सकते हैं ऑनलाइन जा करके। और उसको ट्रैक भी कर सकते हैं, क्या क्या आपका स्टेटस क्या है कंप्लेन का। नेक्स्ट आर्टिकल द सेकेंड पेज टॉक्स अबाउट इंटरनेशनल ट्रेड फेयर। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है विथ रिगार्ड टू पीपल कॉन्टैक्ट, कल्चर अवेयरनेस अमंग पीपल। और जो भी प्रोडक्ट लोकली अवेलेबल होती है उसको जनता तक पहुंचाने के लिए इस ट्रेड फेयर को यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जांपल, वोकल फॉर लोकल, लोकल टू ग्लोबल। जो भी आप प्रोडक्ट बना रहे हैं उसे कैसे एडवर्टाइज किया जाए, कैसे उसको पहुंचाया जाए पूरे दुनिया में, इसलिए ट्रेड फेयर की जाती है। कौन प्रमोट कर रहा है? तो यहाँ पर देखा जाए, डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। देन सिटीजन चार्टर। सिटीजन चार्टर GS4 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है एंड ऑल्सो फॉर फ्रॉम परस्पेक्टिव ऑफ GS2 ई गवर्नेंस। सिटीजन चार्टर हेल्प सिटीजन टू गेट नॉलेज एंड सर्विस विथ रिगार्ड टू गवर्नेंस मॉडल ऑफ द गवर्नमेंट। कोई भी सिटीजन को आसानी तरीके से सर्विस मिल सके, कंप्लेन किया जा सके, उसके लिए सिटीजन चार्टर इम्पोर्टेंट है। नाउ कमिंग टू पेज 3, काशी तमिल संगम। ये क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है कि भारत एक अखंड देश है जिसमें लोग विभिन्न प्रकार के रहते हैं और देर इज ए कल्चर इंट्रैक्शन बिटवीन नॉर्थ एंड साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट, एक भारत श्रेष्ठ भारत। ये इंपॉर्टेंट टर्म है जो मेंस में काम आएगा। इट ऑल्सो शोकेसेस यूनिटी इन डाइवर्सिटी। नाउ कमिंग टू पेज नंबर 1, न्यू ड्राफ्ट प्राइवेसी लॉ। ये क्या है? पहले भी गवर्नमेंट ने ड्राफ्ट पॉलिसी को लाया था, दैट वॉज BN श्री कृष्ण कमिटी। तो ये नई लॉ जो है वो क्या कहती है? इट इजेस क्रॉस बॉर्डर डेटा फ्लो। हम डेटा लोकलाइजेशन की बात करते हैं, फॉर एग्जाम्पल जो भी डेटा है कंजम्पशन है इंडिया में, उसको स्टोरेज करना, स्टोरेज किया जा सके लोकली। लेकिन यहाँ पे जो गवर्नमेंट की ड्राफ्ट पॉलिसी है उसमें क्रॉस बॉर्डर डेटा फ्लो, ताकि ग्लोबलाइजेशन रहे, बाहर की कंपनीज डेटा यूज करके मैक्सिमम आउटपुट दे, सर्विस दे टू द कंज्यूमर इन इंडिया। और फिर दूसरी पॉइंट है पेनल्टीज फॉर डेटा ब्रीच। कोई भी अगर रूल फॉलो नहीं कर रहा है, कोई भी कंप्लायंस नहीं है जो भी नए रूल्स की, उसको पेनल्टी लगा। और थर्ड पॉइंट इज एग्जेम्पशन फॉर द सिक्योरिटी इंटेलिजेंस ऑपरेटिव इन इंडिया। तो उस पर आगे चर्चा करते हैं। वॉट न्यू ड्राफ्ट प्राइवेसी लॉ टॉक्स अबाउट? इट टॉक्स अबाउट कंसेशन ऑन क्रॉस बॉर्डर डेटा फ्लो। इंडिया, स्वीडन, US, बाकी जगह जो भी कंपनीज ऑपरेट करती है, मल्टीनेशनल कंपनीज, दे कैन एक्सचेंज द डेटा, दे कैन एक्सचेंज द सर्विसेस आसानी से, क्योंकि वी आर इन अ
ग्लोबलाइज इकोनॉमी, और जो भी सेंसिटिव पर्सनल डेटा है सिटीजन की, जैसे हेल्थ फाइनेंस डेटा, उसको पहले डिफाइन किया गया था क्रिटिकल के अंदर, क्रिटिकल पर्सनल डेटा में, अभी उसमें ईज किया गया है। थर्ड, थर्ड पॉइंट इज टू स्टैब्लिश डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड टू इंश्योर दैट जो भी सर्विस कंपनी रहे, एमएनसी रहे, वो कंप्लायंस रहे रूल के अनुसार, वो फॉलो कर रहे रूल, उसका ब्रेक रूल ब्रेक नहीं होना चाहिए, वायलेशन ऑफ रूल नहीं होना चाहिए, अगर वो होगा तो उनके फाइन दिया जाएगा, जो हो सकता है 200 करोड़ भी रहे। और जो भी कंपनी रहेगी उन्हें डेटा प्रोटेक्शन ऑफिसर भी लाना होगा। तो दिस इज अ न्यू लॉ विच बैलेंसेस बोथ डेटा प्राइवेसी एंड ऑल्सो टॉक्स अबाउट डेटा ग्लोबलाइजेशन। इट हैज सम इंस्टेंसेस ऑफ डेटा लोकलाइजेशन, बट वी आर लिविंग इन अ ग्लोबलाइज वर्ल्ड, सो वी नीड इंटर कंट्री, इंटर कंपनी सर्विसेस एंड ऑल्सो टॉक्स। अब आते हैं सेकेंड आर्टिकल में। मध्य प्रदेश ने एक लॉ पास किया था 2021 में, दैट वॉज कॉल्ड एज मध्य प्रदेश फ्रीडम टू रिलीजन एक्ट 2021। उसका इम्पोर्टेंट पॉइंट ये था कि जो भी इंडिविजुअल है उसको पहले ही डिक्लेयर करना था डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के सामने बिफोर रिलीजियस कन्वर्जन। क्या वो राइट टू प्राइवेसी के खिलाफ है, क्या वो राइट टू लिबर्टी के खिलाफ है, ये हाई कोर्ट ने इस पर चर्चा की, एंड इन इट्स जजमेंट इट डिक्लेयर दिस लॉ अनकॉन्स्टिट्यूशनल। कैसे? क्योंकि मैरिज जो होती है वो राइट टू प्राइवेसी के अंदर होती है, इट इज ए पर्सनल चॉइस, इट इज ए पार्ट ऑफ आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अदर जो एस्पेक्ट है वो है फैमिली, मैरिज, सेक्सुअल ओरिएंटेशन, ऑल दीज आर कनेक्टेड विद द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल, सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट इट डज नॉट वॉयलेट ऑल दीज एस्पेक्ट्स। और राइट टू प्राइवेसी में, राइट टू लिबर्टी में राइट टू रिमेन साइलेंट भी होती है, आपको जब बोलना है तो आप बोल सकते हैं, आप नहीं चुप रहने चुप रह सकते हैं, ये आपके ऊपर है। नाउ कमिंग टू पेज नंबर 8, ईवीज मेक अप 10% ऑफ टोटल व्हीकल सेल इन दिल्ली इन अक्टूबर। तो सरकार की क्या ईवी पॉलिसी है? फेम 1, फेम 2, बायोफ्यूल पॉलिसी 2018, सब चीज लेके, ये सिविल सर्विस के लिए इम्पोर्टेंट है फ्रॉम पर्सपेक्टिव पेपर 3 इकोनॉमी। नेक्स्ट आर्टिकल, ट्रेंड ऑफ बिल्डर्स डिफ्रॉडिंग होम बायर्स। तो इसमें जो होम बायर जो इंटरेस्ट है उसके लिए कौन से रेगुलेटरी बोर्ड इंपॉर्टेंट है? रेरा से ले हाउसिंग फाइनेंस, जो रेगुलेटरी फाइनेंस है वो इम्पोर्टेंट है, रेरा इम्पोर्टेंट है, और कैसे इसको और अच्छे तरीके से कंट्रोल कर सके फ्रॉड को, ये आप सोच सकते हैं इसके बारे में। विद रिगार्ड टू हेल्थ केयर, डायबिटीज, डायबिटीज इज वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम वर्ल्ड वाइड। इंडिया हैज़ मोर देन 77 मिलियन डायबिटिक पेशेंट अकॉर्डिंग टू ICMR रिपोर्ट। डायबिटीज आर ऑफ 4 टाइप्स, टाइप 1, टाइप 2, लेटेंट इम्यून ऑटो इम्यून डायबिटीज LADA,
गेस्टेशनल डायबिटीज। तो ये क्यों होता है, सिम्टम क्या क्या है, तो आप पढ़ सकते हैं इसे क्या क्या दिक्कत होती है। तो ये लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज, और इसमें टाइप 1 टाइप 2 को रोकने के लिए डूज एंड डोज है। कोलेस्ट्रॉल लेवल कम होनी चाहिए, मॉनिटर योर लो शुगर रेगुलरली, एक्सरसाइज रोज करनी चाहिए, अवॉइडिंग हाई कंजम्पशन ऑफ शुगर्स, टेक स्मॉल एंड फ्रीक्वेंट मील, स्ट्रेस कम होनी चाहिए, स्मोकिंग मत करिए, फिजिकली एक्टिव रहिए, 6 से 8 घंटे सोइए, ब्लड टेस्ट भी इम्पोर्टेंट है आप करवाइए। नाउ कमिंग टू पेज नंबर 11, अरुणाचल प्रदेश। प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से कैमेंग हाइड्रो पावर स्टेशन इम्पोर्टेंट है, कहाँ पर है, कैसे अरुणाचल प्रदेश से बॉर्डर स्टेट है, कैसे डेवलपमेंट और सिक्योरिटी में उसका काम आएगा। नाउ कमिंग टू पेज नंबर 12, गुजरात पोल ऑब्जर्वर पुट अप पिक्स ऑफ पोस्टिंग एंड ऑन इंस्टाग्राम रिप्लेस्ड। क्या ये एक सिविल सर्वेंट IAS अफसर के दायरे में आता है कि वो जो भी काम कर रहे हैं वो ऑनलाइन डालें? क्या ये वायलेशन ऑफ सिविल सर्विस कोड है या नहीं? क्या ये पब्लिसिटी स्टंट है? क्या ये इन्फ्लुएंस ऑपरेशन है विथ रिस्पेक्ट टू पीपल? क्या सिविल सर्वेंट अपने जो भी काम करते हैं वो ऑनलाइन रख सकते हैं? ये GS/4 के हिसाब से इम्पोर्टेंट है, इसमें ओपिनियन होना जरूरी है कि सिविल सर्वेंट क्या काम होता है। इट है दे हैव टू वर्क फ्रॉम बिहाइंड द सिस्टम, दे हैव टू इम्प्रूव द सिस्टम, एंड दे शुड नॉट टेक क्रेडिट ऑफ एनी वर्क। ये इम्पोर्टेंट है। पेज नंबर 13, एंट्री ऑफ इंडिया स्पेस सेक्टर, एंट्री ऑफ प्राइवेट रॉकेट कंपनीज इन द इंडिया स्पेस सेक्टर। तो ये टॉक करती है, बात ये आर्टिकल बात करती है एक स्टार्टअप के बारे में, स्काई रूट एयर स्पेस। एस सब ऑर्बिटल विक्रम एस सब ऑर्बिटल व्हीकल जो डेवलप्ड हुआ था स्काई रूट एयर स्पेस के माध्यम से, और जिसको इसरो ने लॉन्च किया। इट इज़ अ हिस्टोरिक मोमेंट फॉर इंडिया, इट ऑल्सो शोकेस इंडियाज एंट्री इंटू द प्राइवेट स्पेस सेक्टर, एंड इट कैन कम्पीट विथ स्पेस एक्स एंड नासा। इंडिया पास एक इंस्टीट्यूशन है जिसे इन स्पेस इंट कहा जाता है, ये इंपॉर्टेंट है सिविल सर्विस पर्सपेक्टिव से, जो हेल्प करेगी प्राइवेट सेक्टर को ग्रोथ करने के लिए स्पेस में। MSME का रोल बहुत ज़्यादा है स्पेस सेक्टर में। नाउ कमिंग टू अनदर आर्टिकल, MEA ड्राइवर हेल्ड फॉर एस्पिनाज। इट इज अ क्लासिक केस ऑफ हनी ट्रैपिंग बाय द एनिमी कंट्रीज। हनी ट्रैपिंग को रोकने के लिए क्या करना चाहिए? तो देयर आर सम गाइडलाइंस बाय आर्मी इंटेलिजेंस ऑफ ऑफिशियल इंडिया, दैट इज फेसबुक और गूगल को मोबाइल फ़ोन में होना नहीं चाहिए वर्क के दौरान। दूसरा, कांस्टेंट मॉनिटरिंग होना चाहिए मोबाइल फोन्स और पर्सन के बिहेवियर के अनुसार। तो इट इज़ ए पार्ट ऑफ पेपर GS/3 सिक्योरिटी। नाउ कमिंग टू पेपर 14 पेज, इट टॉक्स अबाउट सावरकर। पूरा आर्टिकल ये बात करते कि सावरकर के बारे में, हाउ ही वॉज एथिस्ट येट ही वॉज प्रोपोनेंट ऑफ हिंदू नेशनलिज्म इन इंडिया थ्रू हिंदू महासभा। उसने एक सेटअप किया था अभिनव भारत, दैट वॉज एन ऑर्गेनाइजेशन टू हेल्प इंडिया अक्वायर फ्रीडम बाय रेवोल्यूशनरी मीन्स। ही ऑल्सो ड्रीम्ड फॉर गुरिल्ला वॉरफेयर अगेंस्ट द ब्रिटिश।
ही ऑल्सो रोट बुक इंडिया वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 विच ऑल्सो इंस्पायर्ड लेटर रेवोल्यूशनरीज लाइक भगत सिंह. डिस्पाइट ऑफ हिज हिंदू नेशनलिस्ट अप्रोच ही वॉज ऑल्सो अ रिफॉर्मिस्ट विद इन द रिलीजन एज ही डिड नॉट कंसिडर काउ एज अ सेक्रेड एनिमल. ही ऑल्सो क्वेश्चन गॉड एंड हिज एंड ऑल्सो गांधीज व्यू पॉइंट अबाउट अर्थक्वेक कि ये कर्स नहीं. ही ऑल्सो वॉज क्रिटिक ऑफ सेवरल रिचुअलिस्टिक अप्रोच इन हिंदुइज्म. He was against untouchability. He was a proponent of inter-jati marriage, inter-jati dining, etc. So, he is a very big stalwart in personalities in India. Now, coming to page number 15. This article talks about industrial policy. And how can industry policy help to encourage green economy, generate jobs in gig services, and also कैसे industry policy से नई growth achieve कर सके. क्योंकि 20th century, 21st century में difference ये है कि 21st century will be driven by AI, new technology in machine learning, robotics, etc. And how can we use इंडस्ट्रियल पॉलिसी टू प्रमोट ग्रोथ. तो उसमें आर्टिकल बात करती है पीएलआई स्कीम जो सरकार की है, दैट इज वेरी स्किल इंसेंटिव, चीफ मैन्युफैक्चरिंग, वेफर्स मैन्युफैक्चरिंग, रोल ऑफ टेक्नोक्रेट इन ब्यूरोक्रेसी, एंड ऑल्सो स्टडी फ्रॉम वेरियस अदर कंट्रीज जैसे साउथ कोरिया, ताइवान, एंड हाउ देयर स्किल्ड वर्कफोर्स helped country to achieve success in manufacturing. क्या हमें ओवर सेंट्रलाइज पॉलिसी होना चाहिए, टॉप डाउन मेथड होना चाहिए, क्या हमें डिसेंट्रलाइज होना चाहिए, ये आर्टिकल इस पर बात करती है. तो समवेयर टॉप डाउन अप्रोच एंड बॉटम्स अप अप्रोच में फर्क होती है. टॉप डाउन अप्रोच में थोड़ा सिस्टम फास्ट भी होती है, फॉर एग्जांपल चाइना. बॉटम अप अप्रोच में सिस्टम इंक्लूसिव होती है, फॉर एग्जांपल इंडिया. तो इट हैज टू बी मिक्स्ड बैग. नाउ कमिंग टू नेक्स्ट आर्टिकल फ्रॉम पर्सपेक्टिव GS4 एथिक्स, अ वर्ल्ड विदाउट न्यूक्स. क्या इंडिया को रोल प्ले करना चाहिए न्यूक्लियर वेपन्स के खिलाफ, क्योंकि अभी बात हो रही है रशिया यूक्रेन के बारे, और देर इज अ टॉक अबाउट न्यूक्लियर वॉर, न्यूक्लियर होलोकॉस्ट. एंड इंडिया वुड प्ले अ इम्पोर्टेंट रोल इन दिस एस्पेक्ट. क्यों? क्योंकि इंडिया इज अ पीस लविंग कंट्री, इट बिलीव्स इन वासुदेव कुटुंबकम, द वर्ल्ड इज वन फैमिली, और इंडिया ऑल्सो हैज अ न्यूक्लियर वेपन, लेकिन वो नो फर्स्ट यूज पॉलिसी वाली है. इट इज फॉलोइंग अ डिटरेंट अप्रोच. नाउ कमिंग टू नेक्स्ट आर्टिकल, टेरर फाइनेंसिंग फ्रॉम पर्सपेक्टिव ऑफ GS3. होम मिनिस्टर अमित शाह जी इसमें कहते हैं कि टेररिज्म को कोई भी रिलीजन नेशनलिटी से लिंक नहीं किया जा सकता. ऑब्वियस बात है, इट क्रिएट्स स्टिग्मा, इट क्रिएट्स मार्जिनलाइजेशन ऑफ द सेवरल कम्युनिटीज इन इंडिया. तो टेररिज्म हैज टू बी डेल्ट विद सेवरल अप्रोचेस, कैरेट एंड स्टिक पॉलिसीज. इट कैन बी थ्रू एजुकेशन, डी रेडिकलाइजेशन, मॉडर्नाइजेशन ऑफ सिक्योरिटी अपैरेटस एक्सेट्रा. और फॉर एग्जाम्पल जो भी न्यू वॉर सच एज साइबर वॉर, वो कैसे अफेक्ट करे टेररिज्म इन इंडिया. देखा जाए तो फ्रॉम AK-47, डायनामाइट, लैंड माइन,
बॉम्ब्स टू मेटावर्स एंड वर्चुअल एसेट लाइक बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी, ये सब कैसे यूज हो रहा है टू रेडिकलाइज एंड फंड टेररिज्म इन इंडिया, डार्क नेट को कैसे यूज किया जा रहा है। तो ये तभी पॉसिबल है जब इंटर कोऑर्डिनेशन हो गए एजेंसीज के बीच, फ्रॉम ईडी, एनआईए, सीबीआई टू रॉ, आईबी, डीआईए एक्सेट्रा, एनटीआरओ से लेकर के बाकी जो साइबर सिक्योरिटी एनआईसी वो हेल्प कर सकती है साइबर सिक्योरिटी को और स्ट्रेंथन करने के लिए। नेक्स्ट आर्टिकल इज एन एग्जाम्पल ऑफ जुडिशियल ओवररीच। क्या है वो जुडिशियल ओवररीच है? अग्निपथ जो स्कीम है, रिक्रूटमेंट स्कीम है, वो सरकार की, टू फिल अप द गैप्स इन इंडियन आर्म्ड फोर्सेस। तो इट इज एन एग्जीक्यूटिव पॉलिसी विद रिगार्डेड टू डिफेंस दैट हैज टू बी सॉल्व वाया एग्जीक्यूटिव एंड पार्लियामेंट्री फंक्शन। क्या यहाँ पर जुडिशरी इंटरवीन कर रही है? क्या वो ओवररीच है? इस पर सोचना चाहिए। ओडिशा कैबिनेट अप्रूव्स न्यू पोर्ट पॉलिसी। पोर्ट पॉलिसी इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन सिविल सर्विस, जीएस पेपर 3 इकोनॉमिक्स। पोर्ट इंडिया में प्राइवेट भी है, पब्लिक भी है। और ये जो पोर्ट पॉलिसी है, इट विल कनेक्ट हिंटरलैंड एंड आल्सो इट विल हैव एनवायरमेंटल इन्हांसमेंट, डेवलपमेंट ऑफ कोस्टल कम्युनिटी। तो इट विल बी अ वेरी इंक्लूसिव विद रिगार्ड टू इकोसिस्टम डेवलपमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड ग्रोथ। इट विल ऑल्सो प्रमोट मैरीन टूरिज्म, डेवलपमेंट ऑफ हार्बर, सी प्लेन, शिप बिल्डिंग, शिप ब्रेकिंग एक्सेट्रा। और एक प्रिलिम्स फैक्टर कि 480 किलोमीटर की कोस्टल स्पेस है ओडिशा में। देर आर थ्री पोर्ट्स एट ओडिशा, पारादीप, धामरा, गोपालपुर। नाउ कमिंग टू पेज 17, इंडो नेपाल रिलेशन। इंडो नेपाल रिलेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज नेपाल ऐसे बोलते हैं नेपाल इज ए हिंटर लैंड कंट्री। और ये न्यूज में था क्योंकि पिछले साल उन्होंने काला पानी, लिपु लेक एंड लिम्फिया दूरा इन उत्तराखंड को अपने मैप में शामिल किया था। तो इट अफेक्टेड द रिलेशनशिप बिटवीन नेपाल एंड इंडिया एंड ऑल्सो चाइनीज इन्फ्लुएंस मेड देम वर्स। तभी इलेक्शन है, इसके बाद हो सकता है थोड़ी रिलेशनशिप में सुधार है। विद रिगार्डिंग टू फीफा वर्ल्ड कप, क्या इंडिया एक स्टेज पे पहुंच चुका है कि आने वाले वक्त में इंडिया में भी फीफा हो? तो यू हैव टू थिंक फ्रॉम पर्सपेक्टिव ऑफ प्रमोशन ऑफ स्पोर्ट्स इन इंडिया, विच ऑल इंस्टीट्यूशन आर प्रमोटिंग स्पोर्ट्स इन इंडिया, प्राइवेट बॉडीज, एनजीओस एक्सेप्ट। नाउ कमिंग टू पेज 21, वॉट इज द मीनिंग ऑफ इंटर कॉन्टिनेंटल मिसाइल? इंडिया के पास कौन कौन सी मिसाइल है, इंटर कॉन्टिनेंटल मिसाइल? अग्नि 1 सीरीज एक्सेट्रा। तो इस पर थोड़ी सर रिसर्च करनी चाहिए, थोड़ी गूगल सर्च करनी चाहिए। यूके इंडिया एफटीए, एफटीए मतलब फ्री ट्रेड अग्रीमेंट। फ्री ट्रेड अग्रीमेंट से बोथ एट बेनिफिट्स बोथ द नेशन विद रिगार्डिंग टू वीजास, ट्रेड एंड सर्विसेज। जो कस्टम ड्यूटीज होती है वो थोड़ी कम लगती है। इंडिया ऑलरेडी साइंड फ्री ट्रेड अग्रीमेंट विद यूएई, बट क्या क्या कंटेंशियस इश्यूज है? तो वो वीजास इमिग्रेशन को लेकर के है एंड ऑल्सो विद रिगार्डिंग टू डेयरी फार्मिंग, फार्मिंग
फर्दर कमिंग टू पेज नंबर 23, फॉरेक्स रिजर्व। वाई फॉरेक्स रिजर्व इज इम्पोर्टेंट? बिकॉज इट एक्ट्स इट बिकॉज इट एब्जॉर्ब्स द शॉक इन द मार्केट व्हेन द रुपी इज डिप्रिसिएटिंग। तो अभी 14.72 बिलियन से बढ़ चुकी है फॉरेन पॉलिसी एट 544 बिलियन। इंडिया इज ऑल्सो गोइंग टू अ डाइवर्सिफिकेशन ऑफ फॉरेन ऑफ फॉरेक्स रिजर्व दैट इज लेस रिलाइंग ऑन डॉलर्स, सो दैट डॉलर डज नॉट अफेक्ट मच ऑन फॉरेक्स रिजर्व इन फ्यूचर। नीड हायर सीड फंडिंग फॉर डीप टेक स्टार्टअप। एक टेक स्टार्टअप होता है, एक डीप टेक स्टार्टअप होता है। टेक स्टार्टअप रिलेटेड टू फाइनेंस, हेल्थ केयर एंड अदर नॉर्मल सर्विसेस जैसे जोमैटो, ओला, फिर बैंकिंग सर्विसेस एक्सेट्रा। डीप टेक स्टार्टअप विद रिस्पेक्ट इज रिलेटेड टू AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, क्वांटम मैकेनिक्स, ब्लॉकचेन, IoT, ड्रोन्स, AI, ऑगमेंटेड रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी, मशीन लर्निंग एक्सेट्रा। तो कौन इसमें इसके पीछे सिलिकॉन वेफर काम आता है? टेक्नोक्रेट होना चाहिए और फिर एक पूरा इकोसिस्टम होना चाहिए, 5G होना चाहिए, बिल्डिंग ब्लॉक्स है और ऑनलाइन डेटा सर्वर होना चाहिए, डेटा सर्वर पॉलिसीज होना चाहिए। तो US एंड चाइना आर वेरी मच फंडिंग डीप टेक स्टार्टअप्स टू ड्राइव इनोवेशन इन द कंट्री। तो इंडिया को भी देख करके पॉलिसी बनानी चाहिए डीप टेक स्टार्टअप के हिसाब से। नेक्स्ट आर्टिकल टॉक्स अबाउट फिनफ्लुएंसर। फिनफ्लुएंसर इन्फ्लुएंसर के बारे में नाम तो सुने होंगे। इन्फ्लुएंसर आर दोज पीपल हु इन्फ्लुएंसेस द मासेस थ्रू सोशल मीडिया, थ्रू प्रिंट मीडिया, टीवी मीडिया एक्सेट्रा। वॉट आर फिनफ्लुएंसर? दोज इन्फ्लुएंसर हु कैन अफेक्ट द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इन इंडिया, फॉर एग्जाम्पल इन स्टॉक मार्केट, आर कॉल्ड एज फिन इन्फ्लुएंसर दैट इज फिनफ्लुएंसर। जो भी एडवाइस देते हैं स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर्स के स्टॉक मार्केट के बारे में टू द इन्वेस्टर्स ऑन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म सच एस ट्विटर, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक, और इससे स्टॉक प्राइसेस की अननेचुरल ग्रोथ हो सकती है या डिक्रीज कर सकते हैं, इसको इन्फ्लुएंसर बोलते हैं। सेबी इस पर इसको सेबी के रडार में ये है क्योंकि इट कैन बी यूज फॉर मैनिपुलेशन इन द स्टॉक प्राइसेस। एंड दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू एवरीवन।